वालेकुम साथियों आपका डिजिटल सेनेटर एक और डिजिटल शो शो लेकर हाजिर है और आज हमारे साथ जो सेनेटर हैं वो माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छे सियासतदान और सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस में से हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेनेटर इमाम दीन शौकीन साहब और मैं अब उनको सहमत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और आकर हमें ज्वाइन करें मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ उनका ईद के दिनों में उन्होंने हमें टाइम दिया तो वेलकम आ, सेनेटर साहब और साथियों मैं आ, आपको बताता चलूं इस मैं गाड़ी में हूं और मैंने चूंकि हुआ था तो मैं नहीं चाहता था कि मैं और मजीद आ, अपने सेनेटर साहब को आ, इंतजार कराऊं तो इसलिए वेलकम सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले मैं आपका और आपके तमाम का देखने वालों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करूँगा और आपका भी शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ जो है इस शो में जो है वो आ सकू बहुत शुक्रिया थैंक यू सर हमारे शो का जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये है कि हम किसी किस्म की कतई तौर पर कोई पोलिटिकल बात नहीं करते पोलिटिकल सनैरियों पर या कोई रिलीजियस बात नहीं करते हमारा मकसद पाकिस्तानी और पाकिस्तान को प्रमोट करना है और बिलखसूस हमें टेक्नोलॉजी पर बात करनी है आप माशाल्लाह एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियंस हैं तो मैं चाहूँगा सर आपको हमें ये बताइए पहले तो अपनी जिंदगी के बारे में अपने बचपन के बारे में अपनी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की और आपके जो एक्सपीरियंसेस आप मेरे व्यूअर्स से शो शेयर करना चाहें बहुत शुक्रिया जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका आपने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि मैं 1959 में जो है सिंध के ज़िला सांगढ़ के एक छोटे से कस्बा टंडो आदम में एक मुसवसत जो है बिजनेसमैन घराने में पैदा हुआ और मैंने जो है वो तेरह साल की उम्र से ही जो है मैं मतलब शायद पाकिस्तान के उन लोगों में से हूँ जो तेरह साल की उम्र से ही सियासत में जो आ गया जब मैं नवी जमात में कालबिल था तो मुझे एक स्टूडेंट तंजीम ने अपना जो है वहाँ का लाजिम बनाया और इस तरीके से मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया फिर जब मैंने आ, 75 फाइव में जो है अपनी मेट्रिकुलेशन की तालीम मुकम्मल की तो मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और कॉलेज में जो है चूँकि उस ज़माने में कॉलेज के इलेक्शन हुआ करते थे लेकिन मेरे कुछ बदकस्मती से पर्चे रह गया। लिहाजा मैं तो ख़ुद एलिजिबल नहीं था खड़ा होने का लेकिन हमने उस ज़माने में अपना एक पूरा ग्रुप बनाया लिबरल के नाम से और कॉलेज में जो है अमली सियासत का में हिस्सा लेते हुए अपने पूरे ग्रुप को विन कराया फिर नाइनटीन एटीज फाइव के अंदर गालबन जो है पीर साहब पगारा के साथ जो है वो टंडो आदम तशरीफ़ लाए उन्होंने जो है वो टंडो आदम हमारे घर पर भी तशरीफ़ लाए इस तरह मैं मुस्लिम लीग में मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली और इस तरह ये फिर सिलसिला चलता रहा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उस वक्त के ज़माने के कैंडिडेट हुआ करते थे उनके साथ काम करते रहे और फिर 1985 में या एटी में गालबन में पहली दफ़ा जो है कौंसलर के लिए इलेक्शन लड़ा मैं जिस हलके से खड़ा होता था वहाँ पे जो है वो एक तंजीम थी जिसके जिले सदर से मेरा मुकाबला जिले नाजिम से मेरा मुकाबला होता था मैं बहुत कम उम्र था और वो बहुत सीनियर पॉलिटिशन्स थे लेकिन चूंकि मेरा हलका था मुझे लोगों ने मशूर भी दिया कि आप किसी और हल्के से जाकर इलेक्शन लड़ें तो हम आपकी मदद भी करेंगे लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि मेरा ये घर है तो मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता लिहाजा मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट किया और मैं चंद वोटों से जो है रह गया लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत ना आ रही फिर जब चार साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ तो मैं अलहमदल भारी अक्सीयस से जो है कामयाब हुआ आ, फिर टंडो आदम की चेयरमैनशिप का मरहला आया तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड कर रहा था दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो मैं उस चेयरमैनशिप का कैंडिडेट था एक वोट से फिर मैं जो है उस तरह रह गया लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही और आगे बढ़ता रहा तो दो में पीर साहब पगारा ने मुझ पर मेहरबानी की और मुझे जो है वो टिकट दिया सूबा इसम्बली का फिर मैं जो है 2002 में एमपीए पी ए मनतखिबा सिंह की हल्के दो एटी टू से जो टंडो आदम और उसके अतराफ का जो है हल्का होता था फिर उसके बाद मुझे जो है अली मोद मेहर और अरबाब साहब की कैबिनेट में मुझे जो है स्पेशल अपना एडवाइज़र बनाया गया फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुए गालबन दो हजार स... सत्रह में किसी वजह से अपने कारोबारी में उसके बाद जो है मतलब ये कि फिर पीर साहब पगारा ने मुझे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एडवाइज़र बनाया विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर और मैं माइंस और मिनरल को कई साल जो है वो चलाता रहा इसके बाद जो है 2012 हज़ार बारह का गबन कौमी असम्बली का इलेक्शन आया तेरह का उसमें मुझे टिकट दिया और मैंने अपने हल्के जो टंडो आदम शजादपुर शाहपुर चाकर एने गालबा अब मेरे जहन में नहीं है उससे मुझे जो है मैं अपना जो है मुझे जो है वो टिकट दिया गया और मैंने तकरीबन जो है एटी एट थाउजेंड वोट जो है वो हासिल किए और इस तरह में जो है थोड़े से वोटों से जो है वो रह गया इसके बाद जो है वो फिर सिलसिला चलता रहा जब दोबारा इलेक्शन के नज़दीक जो है थे तो मैंने ये महसूस किया कि चूंकि मैं एक आ, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो है वो लोगों के दरमियान मेरी तेरह साल की उम्र से मैं जो है पॉलिटिक्स में लोगों के दरमियान था और लोगों की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे लोगों को के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं जो उनके गमी और ख़ुशी में जो है वो शामिल हों तो मैं इस तरीके से जो है मतलब ये कि इस फील्ड में था तो फिर उसके जब मुझे 2000 हज़ार मुझे एटी नाइनटी थाउजेंड के, के करीब वोट मिले और इस तरीके से जब दू, दूसरा इलेक्शन होने लगा तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करूं जो कि कौमी पार्टी हो चारों सूबों में जो है जो अपना वजूद रखती हो तो मुझे कई दफ़ा प्रेजिडेंट जरदारी साहब ने जो है मैसेज जो है उनकी बड़ी मेहरबानी तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मैंने दो में गलबन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ज्वाइन किया मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का कि उन्होंने मुझे हालांकि मैं ये सोच कर गया था कि चूंकि मैं पहली दफ़ा जो, मैं नया नया हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और हर पार्टी यकीनन चाहेगी कि मैं जो है उसको ज्वाइन करने के बाद कुछ अर्से वहाँ काम करूँ उनके इन्वामेंट को समझूँ दोस्तों को समझूँ लेकिन मैं इंतहाई शुक्रगजारू कि उन्होंने मुझे चंद दिन के अंदर ही ये खुशखबरी दी कि हम आपको सैनेट में ले जा रहे हैं जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन्हें या का इलेक्शन लड़ूँ लेकिन पार्टी की डिसीशन थी मुझे उन्होंने जो है वो सैनिटर बनाया जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उसके साथ साथ ही आपको पता है कि जिला सांगगढ़ में जो है ऑयल एंड गैस की एक जो है बड़ी जो है वो मतलब ये कि एक रिज़र्व हैं और वहाँ से बड़ा जो है ऑयल एंड गैस शायद अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट बदीन के बाद ये डिस्ट्रिक्ट है जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करता है वहाँ पे एक डेवलपमेंट कमेटी होती है जिसका जो है चेयरमैन जो है बनाया जाता है और हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो फंड्स थे मुझे उसका जो है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टगढ़ का ऑयल एंड गैस का डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन भी जो है मेरी पार्टी ने बनाया और अलहमदिल्ला मैंने उसमें काम करते हुए सांगड़ की तारीख़ में पहली मरतबा जो है शफाफ जो है वो टेंडर ओपन टेंडर कराए और इस तरीके से न सिर्फ एक मीरी में काम कर रहा हूँ सांगड़ में डेवलपमेंट के हवाले से पार्टी की भी खदमत कर रहा हूँ पार्टी के लोगों की भी और इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये थोड़ा सा मेरा सियासी सफर था जो तेरह साल की उम्र से जारी रहा और अब तक जारी है और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हल्के के अंदर रहूं और लोगों के दरमियान रहूं और मैं जब आ, कोशिश करता हूं कि अपने आ, दो दिन आ, मंगल और जब भी मैं अपने इलाके में होता हूं तो मैं लोगों के दरमियान होता हूं अब मेरी दूसरा तारुफ मेरा जो है वो बिजनेसमैन का है अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर भी थोड़ा सा भी जरूरी है बहुत शुक्रिया आ, तो मैंने जिस तरह बताया कि हमारी जो है फैमिली जो है एक मुस्व तक हमारा एक बिजनेसमैन घराना मेरे वाल साहब जो है वो टंडो आदम में माइग्रेट करके राजस्थान से आए यहाँ सेटल हुए टोबेको तो का वो काम करते थे और जब 1971 में जो है ढाका फॉल हो गया मशक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो आपको याद होगा कि मैच मैच जो है वो सारी उधर ही से इम्पोर्ट होती थी ईस्ट पाक वेस्ट पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई मैच इंडस्ट्री नहीं होती थी तो हमने पाकिस्तान में पहली मैच इंडस्ट्री जो है वो ढाका फाल होने के बाद लगाई और यहाँ से हमारा जो है वो इंडस्ट्री का सफ़र शुरू हुआ और जिस तरह मैंने तेरह साल की उम्र से सियासत में एक इतफाकी तौर पर जिस तरह मुझे एक मौका मिला और मैं अपना सफ़र मैंने जारी रखा इसी तरीके से तेरह साल की उम्र में जब मैं पढ़ता भी था आठवीं या नवीं जमात में तो मैं अपनी इंडस्ट्री में अपने बड़े भाई का जो है हाथ भी बटाया करता था और उस ज़माने में जब ये मैच इंडस्ट्री लगी तो ये पाकिस्तान के लिए भी नई थी हमारे लिए भी नई थी लोगों के लिए भी नई थी इसके लोग भी जो है टेक्निकल लोग भी नहीं अवेलेबल थे तो इस इंडस्ट्री में केमिस्ट हुआ करते थे जो है केमिस्ट जो है उसकी बड़ी एक पोस्ट थी जो कि के, इसके केमिकल्स को या मसाले के कॉम्बिनेशन जो है वो बनाता था तो चूंकि पाकिस्तान में तो कोई नहीं था हम मशक पाकिस्तान से एक साहब को लेकर आए थे तो वो उस ज़माने में जो है जब लेबर की तनख्वाह चार या पाँच सौ उसकी जो है वो सैलरी हुआ करती थी जो है बेसिक पे हुआ करती थी उस ज़माने में उसको हम बीस हज़ार सैलरी देते थे और उसके बावजूद भी वो आए दिन जो है मतलब मसाइल पैदा करते थे जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो जाती थी तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मशूरा दिए कि क्यों ना मैं इस केमिस्ट को जो है केमिकल के काम को मैं सीख लूं तो मेरी भी बहुत छोटी थी लिहाजा पाकिस्तान में फिर सेकंड जो है ओम को लाहौर के अंदर एक स्टूडिश मैच लगी मैं उसमें एज ए लेबर भर्ती हुआ किसी को पता भी नहीं था कि मैं किसी मैच फैक्ट्री से आया हूँ बड़ी प्लानिंग्स में वहाँ गया मैंने केमस्ट तो हमने कुछ जो है उसके साथ बात की उसने फिर मुझे वहाँ सारी इसकी जो है कॉम्बिनेशन और इसके फार्मूले मुझे समझाए और छह माह की ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर अपने ग्रुप में आया अपनी इंडस्ट्री में पांच या छः साल तक काम करता रहा इस तरह ये हमारी इंडस्ट्री का सफर शुरू हुआ पहली मैच फैक्ट्री फिर दूसरी मैच फैक्ट्री फिर उसके बाद हम फ्रूट जूस इंडस्ट्री के अंदर आ गए और हमने चूंकि हमारा इलाका टंडो आदम और खास डिस्ट्रिक्ट और सांगर डिस्ट्रिक्ट मैंगो की जो है से बड़ा मतलब रिच है तो हमने सोचा कि हम फ्रूट जूस इंडस्ट्री में आए तो हमने पाकिस्तान में तीसरी फ्रूट जूस इंडस्ट्री लगाई जो है टंडो आदम में और इस तरीके से ये काम अलहमदिल्ला चलता रहा फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान के मुख्तफ शहरों जिनमें के पी के में रिसालपुर मुल्तान लाहौर कराची और फिर उसके बाद हम उसके साथ साथ जो है जूसेस के साथ हम डेयरी इंडस्ट्री में भी आ गए जिसमें टी वाइटनर फ्लेवर्ड मिल्क तो इस तरीके से पाकिस्तान में हमने ये छः इंडस्ट्रियाँ लगाईं उसके बाद हम टेक्सटाइल सेक्टर में आए टेक्सटाइल में नूरियाबाद में हमने स्पिनिंग इंडस्ट्री लगाई उसके बाद एक और इंडस्ट्री स्पिनिंग लगाई फिर हम इस फैब्रिक के बिजनेस में आए जिसमें हमने एक जो है डाइंग ब्लीचिंग प्रिंटिंग स्टिचिंग जो कंप्लीट एक यूनिट होता है जो मैन वुमेन बच्चों के फैब्रिक्स तैयार करता है घरेलू जो है वो चीज़ें जो है इस्तेमाल की वो बनाता है एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स बनाता है इस तरीके से हम टेक्सटाइल की पूरी एक तो उसमें रेंज में आए फिर हमने हम शुगर इंडस्ट्री में आए फिर इस तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में आए तो अलहमदिल्ला हमारे इस वक्त पाकिस्तान में मोर दैन सिक्सटीन इंडस्ट्री और हमारे ग्रुप में अलहमदिल्ला हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो अल्लाह के फजलो करम से जो है वो जॉब का सिलसिला है और इसी तरीके से जो है फिर हमने बैरून मुल्क जो है चूँकि हमारी बहुत सारी में एक्सपोर्ट थी तो कुछ ऐसे मुल्क थे जहाँ पर बड़ी इंसेंटिव थे और बड़ी अट्रैक्शन थी तो उसमें एक मुल्क अंगोला है वहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगाई उसका एक शहर है लुबिटो वहाँ पर तो इस तरीके से हमारा ग्रुप अलहमदिल्ला पाकिस्तान और बैन अवी बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व है और हम कुछ छः या सात सेक्टर में अलमदिल्ला काम करते हैं और पाकिस्तान की इकानी में अलहमदिल्ल हमारा ग्रुप जो है वन बिलियन से ज़्यादा टैक्स की सूरत में है जो है कंट्रीब्यूट करता है तो ये अलहमदिल्ला सारा कुछ जो है मतलब ये कि मेरी फैमिली मेरे बच्चे मेरे नेफ्यू अलहमदिल्ला हमारे एक फैमिली का जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसके तहत ये सब कुछ हमें एक जो है आज की जो जिसकी आप डिजिटल की बात कर रहे हैं इंटरनेट और इस कंप्यूटर की सारी सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अलमदिल्ला एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और हर जगह कैमराज लगे हुए हैं जहाँ पर जो है हम सुबह सारी अपने जो सीनियर स्टाफ हैं उनके साथ एक टाइम है मीटिंग का हम वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग्स करते हैं मशीनरी अगर देखनी हो तो वो भी देखते हैं तो आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं अलहमदिल्ला उससे पूरा भरपूर जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है और इसमें बड़ा आग बहुत कुछ जो है और भी जो है मतलब ये कि बड़ा इसमें पोटेंशल है बहुत कुछ और किया जा सकता है अगर आपके जहन में कोई और सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ आप बहुत शुक्रिया सर मैं आपसे यही अगला सवाल होगा कि देखिए जिस तरह अब कोविड नाइनटीन के बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक टर्न अराउंड हो रही है और 180 डिग्री जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी आ रही हैं और आप माशाल्लाह टेक्नोलॉजी लवर हैं टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को समझते हैं टेक्नोलॉजी अपनी जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें आ, आम लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए उसकी कितनी अहमियत है पाकिस्तानियों के लिए और कैसे उसको पहुंचाया जाए इस पर ज़रा थोड़ा ब्रीफ बताइएगा पहले तो इस टेक्नोलॉजी ने तो पूरी दुनिया को बदल दिया है और ख़ासतौर पर तो कोविड नाइन्टीन जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो इसका इस टेक्नोलॉजी के की बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वक्त की जरूरत थी और अगर ये कोविड नाइन्टीन पहले आ जाता और ये टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद इतनी तकालीफ होती जिसका मैं जो है आपको बयान नहीं कर सकता मैं मिसाल देता हूँ कि हमारा एक मेडिकल कॉलेज भी है और उसके साथ साथ हमने एक फाइव बेडेड हॉस्पिटल भी बनाया है तो जैसे ही हमने एम के स्टूडेंट्स का जो है वो जो है अपनी जो है उनकी जब एडमिशन मुकम्मल हो गई तो उसके चंद दिन बाद ये कोविड शुरू हो गया जो ना तो हमारे लिए बड़ा मसला बन गया कि कंटिन्यू क्लासेस तो हो नहीं सकती थी कुछ और हमारे स्कूल्स हैं फिजियोथेरापी कॉलेज है फिजियो कई स्कूल्स हम ऑन करते हैं हमारी फैमिली चलाती है उन सब में जो है ये मसला आया कि इस तालीम के सिलसिले को किस तरीके से जारी रखें तो माशाल्लाह इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की स्टूडेंट अपने अपने घरों में थे लेक्चर जो है दिए जाते थे उसको वो सुनते थे और इस तरीके से अपने उस से जो है सवाला करते थे और इस टेक्नोलॉजी का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो किसी तरह भी मैं समझता हूँ कि अगर आज जो है उनको जब आगे क्लासेस में जाना है तो वो किसी तरीके से भी अपने आप को पीछे महसूस नहीं करते और अगर आज भी उनसे एग्ज़ाम लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह उसके लिए तैयार हैं और अगर कोविड जो है न एग्ज़ाम तक ना ये सिलसिला जो है ख़त्म हुआ तो इन वो भी जो है वो मतलब ये कि ऑनलाइन सब कुछ होगा इसी तरीके से इस कोविड ने भी एक मेरी अपने बेटे को जो है वो ये प्रॉब्लम हुई तो उसने जो है हॉस्पिटल जाने के बजाय इस बात को तरजीह दी कि वो घर में रहते हुए अपना इलाज कराए तो डॉक्टर्स ऑनलाइन उसको जो है वो मतलब ये कि चेक करते थे उससे उसकी आ सारी जो है सिम्टम्स को देखते थे उसके बाद उसको उन्होंने जो दवाएं तजवीज़ की जो और ये मेरी बेटी डॉक्टर है वो उसको इस तरह जो है ना तमाम चीज़ें जो है लगाती थी दूसरे बच्चे भी कोई भी अगर फैम, फैमिली में कोई बच्चा या बड़ा जो है उसको ज़रूरत होती थी वो ऑनलाइन जाकर जो है डॉक्टर्स से जो है वो प्रिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक इतनी इसकी जो है इसने इतना इस, इसका फ़ायदा दिया है लेकिन इसके थोड़े से जो है वो साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि ख़ास तौर पे बच्चों के लेकिन अल्लाह करेगा ये वक्त जो है एक, नहीं रहेगा ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी मेरा एक पंद्रह साल आप होता है मैं जब उसके कमरे में जाता हूँ तो हर वक्त वो लैपटॉप के ज़रिए लगा हुआ होता है तो जब मैं पूछता हूँ तो वो पढ़ रहा होता है ऑनलाइन क्लासेज़ जिसकी वजह से इतना कंप्यूटर के सामने बैठने से थोड़ा सा जो है आँखों पर और दूसरी चीज़ों पर तो इसको इस टेक्नोलॉजी को जो है वो मतलब ये कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे रहते हुए दूर रहते हुए अगर इसको, इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये इतनी मुफीद है और इतना ये वक्त को बचा रही है इतने सरमाए को बचा रही है कि देखें जिस तरीके से आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स जो है अमेरिका से दूसरे मुल्कों से जो है जब वो लेक्चर्स देते हैं तो हमारे एक बड़े हॉल में चार पाँच सौ डॉक्टर्स बैठे होते हैं और वो उनका लेक्चर सुन रहे होते हैं अगर वो अमेरिका या, या यूरोपियन मुल्क के किसी मुल्क को जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना पैसा खर्च होगा कितना उनका टाइम खर्च होगा तो इस टेक्नोलॉजी ने फासलों को इतना समेट दिया है और वक्त को इतना जो है वो मतलब समेट दिया है कि जो है इससे पूरी दुनिया के के अंदर हमारे लिए जो है सीखने के सिखाने के और जो है नॉलेज के जो है वो रास्ते खुल गए हैं इवन सिर्फ ये एजुकेशन में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में आप मशीनरी आपको बाय करनी हो आ, किसी भी किस्म का इससे काम लेना हो सब कुछ है अब जिस तरीके से टेक्सटाइल में मैं आपको बताऊं कि पहले आ, हमारे आउटलेट्स अभी भी हैं होते हैं लेकिन कोविड नाइन्टीन की वजह से लोग चूँकि बाहर नहीं निकल रहे थे लेकिन उनको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बेड भी चाहिए कपड़े भी चाहिए घर की दूसरी अशियाँ भी चाहिए तो ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग का जो है बड़ा इससे इस, इस ज़माने में जो है रवाज डेवलप पाया हमारे जो फॉरनर्स हमें आते थे हमारी अपनी प्रोडक्ट को देखने के लिए कि हम किस तरह उनके गारमेंट्स को बना रहे हैं वो सब अब ऑनलाइन जो है वो देखते हैं कैमरास के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं सारी चीज़ों को हमारी जो फैक्ट्री में उनके प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसको वो ऑनलाइन देखते हैं अपने डिज़ाइंस जो है उनको जो है जब वो बन रहे होते हैं उनको ऑनलाइन देखते हैं जबकि वो पहले सब कुछ आकर फिजिकली देखते थे तो मैं समझता हूँ कि इसने तो पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और ये चंद सालों में जितनी तरक्की हुई है और आगे चल जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा वक्त का फायदा होगा पैसे का फायदा होगा और जो है बहुत कुछ इससे जो है लोगों को सीखने को तालीम में ये बड़ी माविन साबित होगी इन टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा आगे चल के होने वाला है सर थैंक यू वेरी मच आपने जितना एक्सप्लेन किया मैं एक छोटा सा आपसे अभी अभी हालिया चंद मिनट पहले का वाकत शेयर करता हूँ अभी इलेक्ट्रिसिटी गई तो चले जनरेटर पर स्विच में कुछ टाइम था तो मेरे पास ये डिवाइस है एक छोटी सी ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उस पर स्विच हो गया और no. ये आपके बात करते करते मैंने अपनी लोकेशन तब्दील की और अब मैं इधर स्टूडियो से बाहर निकल कर इधर बैठ गया सो so एक्चुअली uh, मुझे जो आपकी बात से भाई आप चुके माशाल्लाह चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से कि uh, सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी का होना दूसरा उसकी समझबूझ और तीसरा ओवर एंड अब उसका इस्तेमाल तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आपके पास रिसोर्सिस हैं भी और आप उनको इस्तेमाल नहीं करते तो मैं तो यह कहूंगा कि अल्लाह की नेमत मौजूद है लेकिन आप उस नेमत से फायदा हासिल नहीं करते तो यह तो कसूर सारा आपका है अब जी अब सेनेटर साहब थोड़ा सा इसपे ऊपर जरा बताइएगा कि हमारी गवर्नमेंट के बारे में मतलब कोई सी भी गवर्नमेंट हो देखा यह गया है कि या हुकूमत वक्त जो भी हो कि वो टेक्नोलॉजी को उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते जो एक्चुअली जिस तरह से करना चाहिए उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे जैसा कि ये बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में एवरी बडी फील्स एवरी बडी लोज यस इसकी जरूरत है फिर भी अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उसकी क्या वजूहत है और उसको कैसे ओवरकम किया जाए देखिए मैं आपको बताऊं कि इसकी बहुत ज़रूरत है और ये बड़े फायदेमंद है मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि जब मैं माइंस एंड मिनरल का मिनिस्टर था आ, तो उस वक्त जो है वो आ, मैंने पहली दफ़ा इसका अपनी मिनिस्ट्री के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया हमारे पास जो मिनरल्स थे सिंध में बेशुमार मिनरल्स थे उनकी बहुत सारी साइटें थी लेकिन बैन अवी दुनिया को ये पता नहीं था कि हमारे पास मार्बल कहाँ है हमारे पास कोयले के ज़ख़ायर कहाँ हैं हमारे पास साल्ट कहाँ हैं हमारे पास जिंक कहाँ है हमारे पास दूसरी मादनियात कहाँ हैं और किस क्वान्टी में और किस क्वालिटी में हमने पहली दफ़ा अपने मैंने डिपार्टमेंट को जो है वो तमाम कंप्यूटराइज़ कराया नेट पे डाला और पूरी दुनिया को एक्सेस दिया सिंध की माइंड जोन मिनरल के लिए कि वो आएँ देखें या इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि जब तक आप लोगों को जो है वो बताएंगे नहीं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं बताएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से तो हुकूमतें कोई भी हों मैं समझता हूँ कि अब देर आए दुरुस्त आए गो के वो सिलो चल रही हैं लेकिन हर प्रोविंस में अब जो है आई की मिनिस्ट्रियाँ बन गई हैं फेडरल में भी गोर्नमेंट की मिनिस्ट्रियाँ बन गई हैं लेकिन शायद मतलब ये कि हमारी हुकूमतों की वो तरजीहत नहीं है वो उतना उस पर काम नहीं कर रही हैं जितना कि करना चाहिए और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो खुद कुरान करीम फुर्कान हमीद में कहता है ये चांद सितारे ये सब चीज़ ये पूरी हमने कायनत तुम्हारे लिए तख्लीक है गौरविचार करें सोचें तो अल्लाह ताली तो हमें दावत दे रहा है और हम उस पर जो है हमारी हुकूमतें अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश भी कर रही होंगी आ, किसी पर क्रिटिसिज्म करना दे आ, कर थोड़ा या ज़्यादा लेकिन ये जो लोग अब नहीं करेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे ये वक्त की ज़रूरत है ये नहीं है कि जी ये कोई शौकिया किया जा रहा है ये एक इंसान की अब जो है टेक्नोलॉजी जो है वो नीड बन गई है उसको अला तालीम अगर जो है वो चाहिए तो अब उसको बहुत सारी किताबों की और इस तरह की जो है लाइब्रेरियाँ ना है ना उनसे वो इस्ता इसी तरीके से जो है वो दुनिया में बड़े आ, बड़े बड़े अच्छे लोगों के लेक्चर सुनने के लिए उनको इतनी दूर जाना उसमें उस पैसे का इस्तेमाल ये सब चीज़ें वैसी नामुमकिन है लेकिन जो है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का भरपूर जो है वो इंसान जो है वो फ़ायदा जो है वो उठाता है मैं आपको और मैं आपको बताऊं कि जो नई नस्ल है ये हमसे बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो तेज़ है मेरा पोता मुझे बहुत सारी चीज़ें आज बता रहा होता है और मैं आपको जब मैं बैरून मूल ट्रिप बनाता हूँ तो मैं उसको ख़ुद ये टास्क देता हूँ कि तुम खुद जाओ होटलें सर्च करो वो खुद बुकिंग कराता है वो हमें खुद बताता है कि हमें ये ये विज़िट करना चाहिए ये देखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की पहले से वो हमें जो है यहाँ नॉलेज देता है कि हम इस जगह अगर जाएंगे तो ये चीज़ें वहाँ देखने की हैं इनके मुतालिक ये हिस्ट्री है ये जो है पूरी इसकी वो नॉलेज हमें वो देता है तो ये बड़ी आ, बड़ी अहम चीज़ है और इसमें मिनिस्ट्रियाँ बन गई हैं अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि चूँकि मैं आई टी में कभी हुकूमत की मिनिस्ट्रियों में मैं जाने का इतफाक़ भी नहीं हुआ मेरा ख़्याल है कि कुछ कैपेसिटी की जो है कमी है शायद वहाँ पे कैपेबल लोग चाहिए और इस तरह जो है मतलब ये कि अगर अच्छे लोगों को और प्रोफेशनल लोगों को और आई एक्सपर्ट्स को अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐब और इस तरह के जो है चीज़ें बना सकते हैं जो हुकूमत और गवर्नर्स करने के लिए भी उनको एक जो है वो मतलब ये कि बेटर जो है ना वो सूरत हाल को प्रोवाइड कर सकती है देखें हज़ारों लाखों मील दूर बैठ हम अपनी इंडस्ट्रियों को इतनी खूबसूरती से मैनेज इस टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहे हैं और कोई दूसरा वो नहीं है कि जी हमारे पास कोई ऐसी गीदड़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमको अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं सिर्फ हमें ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो फाइनेंस की तरफ हो चाहे वो प्रोडक्शन की तरफ हो चाहे वो सेल्स की तरफ हो इन सारी चीज़ों को जो है वो मतलब ये है कि हम जो है वो उसको एक इस इंटरनेट के ज़रिए इस टेक्नोलॉजी के जरिए इवन जो है लैंग्वेज भी अब जो है वो मतलब ये कि अगर हमारे सेल्स के लोग जो है वो जब मार्केट में निकलते हैं वहाँ एक पुर्तगा पुर्तगिश ज़बान बोली जाती है और हम उसको नहीं समझते तो वो हमें ट्रांसलेशन करके टेक्नोलॉजी जब वो बोल रहा होता है हमारे वहाँ पर जब नुमाइंदे खड़े होते हैं हम उनके व्यूज़ क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमें सही ब्रीफिंग कर रहे हैं अपने वजह से या नहीं कर रहे तो हम उन लोगों से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको सुनना चाह रहे होते हैं तो वो अपनी जबान में बोल रहे होते हैं और हम उर्दू या इंग्लिश में जो हमारी लैंग्वेज हमें हम सुनना चाहें उसमें वो हमें बता रहे होते हैं तो कितना देखें इस टेक्नोलॉजी ने इस काम को आसान कर दिया कि हम हज़ारों मील दूर जाकर उनसे इंटरव्यू लेते या उनसे पूछते कि उनके हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्यालात हैं हम उनको क्या हमसे बिज़नेस करने में एक तकालीफ़ हैं क्या उनको और फैसिलिटीज़ चाहिए वो विज़िट करने के बजाय आज हम अपने घर और ऑफिसों में बैठ उनकी ज़बान वो बोल रहे हैं और उसके बावजूद हम उसको बड़े ऐसा तरीके से समझ भी रहे हैं एक दूसरे के व्यूज़ को शेयर कर रहे हैं तो ये सिर्फ जो है न सिर्फ हुकूमतों को जो है इससे इस्ता तो यकीन उठाना चाहिए अपनी गवर्नस को बेहतर करने के लिए बल्कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये बड़ी तेज़ी से जो है वो मतलब ये कि जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं अब तो एक आई का डिपार्टमेंट लाजमी जो है वो मतलब अच्छे ग्रुप्स में जो है हर इंडस्ट्री में जो है आई डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिससे लोगों को जो है वो रोज़गार के भी मौके मिल रहे हैं और उनकी इंडस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर हो रही है और उन्हें नई इंडस्ट्री को समझने का भी मौका मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमतों को भी चाहिए और जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत ज़रूरत है इस पर जितना काम किया जाए कम है और ये उनकी अपनी बेहतरी के लिए होगा सर आप चूंकि माशाल्लाह जैसे अभी आपने कहा मिनिस्टर रहे तो देखिए हमारी ये सुनने में आ रहा है या जो देखा गया है इवन जब नाइनटीन में पाकिस्तान में कंप्यूटर आया तो जो ब्योरोसी है जो हमारे असल गवर्नेंस जिनके हाथ में है जिन्होंने मुल्क के निज़ाम को चलाना है वो कतई तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो फिर ऑफिसर ये जो ऑफिसर्स ऑफिस में बैठे हैं उनके हाथ से सारी चीजें चली जाएंगी आपने चूंकि जैसे कहा कि मिनिस्ट्री आपके पास आई आपने उसको डिजिटलाइज किया आपने उसमें आई के शोबे को फॉर्म किया तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट फेडरल लेवल पर बिलखसूस या जो बड़े मेगा लेवल पर जहां जरूरत है उसको कैसे स्विच ओवर करे उसमें डिजिटलाइजेशन कैसे लेकर आए अब देखिए मैंने आपको अपनी मिनिस्ट्री की मिसाल दी है हालांकि मुझे उस वक्त जो है वो रजिस्ट जो है रजिस्ट अपना तक, उसमें सामने से आई और मुझे बताया गया कि जी ये ये प्रॉब्लम होगा एजुकेशन नहीं है लोगों को जो है हमारे अपने अंदर जो हमारे जो लोग हैं जो उसमें डेटा फीड करेंगे वो इतने कैपेबल नहीं हैं लेकिन मैंने तमाम इन बातों की परवाह करते हुए प्राइवेट सेक्टर से मदद ली उसमें अपना तरफ से भी जो है मैंने जो है मतलब ये कि इनपुट डाला अपने वसाइल भी उसमें जो है सब कुछ दिए जो मेरे पास थे आ, अपने ग्रुप से भी लोगों को जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जो है उनके लिए पार्ट टाइम काम करता रहा लेकिन मैंने एक चीज़ को फोकस कर लिया कि मुझे ये करना है मुझे बहुत ज्यादा उसमें जो है तो मजामत भी आनी आ, आई लेकिन उसके बावजूद भी मैंने चूंकि जहन बना लिया था कि अगर मुझे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो ये जरूरी है क्योंकि मैं फॉरेन इन्वेस्टर को किस तरह जो है मतलब ये कि मोटिवेट कर सकता हूँ जब तक कि उसको कुछ पता ही नहीं और मैं उसको जब तक ये नहीं बता सकता कि इन तक जाने का रास्ता कितना है किस तरह के हमारे रोड्स हैं कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ है और किस तरह का हमारे पास मिनरल्स है हमारी लेब ये सब चीज़ों को जो है जब तक मैं जो है कंप्यूटराइज और लाइव नहीं करता तो ये पॉसिबल नहीं था तो यकीनन आपकी बात से मैं बिल्कुल सौ परसेंट इतफ़ाक़ करता हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो इसको उस तरह ऑन नहीं कर रहे हालांकि ये उनके काम को जो है वो काफ़ी तक उनको सहूलत प्रोवाइड करेगी लेकिन या तो वो ये काम जानबूझ के करना नहीं चाहते या अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं कि उनके जूनियर जो आईटी एक्सपर्ट्स होंगे वो उनसे बहुत आगे चले जाएंगे और उनकी वो सरकार जो उनका स्टाइल है अंदाज लोगों का काम करने का उसमें वो शायद उनको वो अपनी रेस्पेक्ट समझ रहे हैं कि जी वो कम हो जाएगी तो ये आ, मैं समझता हूँ कि अहमकों की जन्नत में ऐसे लोग रहते हैं क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है बहुत आगे जा चुकी है और हम अब इस टेक्नोलॉजी में अभी तक इसमें बहुत पीछे हैं मैंने मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो न सिर्फ हमारी अब ये सिर्फ आई इंडस्ट्री या आई टी मिनिस्ट्रियाँ जो है वो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रियाँ नहीं हैं बल्कि वो तमाम आ, पूरे मुल्क की हर चीज़ से जो है वो उनको उनका जो है वो कंसल्ट है उनका जो है वो वो एक दूसरे से चोली दामन का साथ है अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो आ, जो इदारे हैं जो एक्सपोर्ट को देखते हैं जिस तरह जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं हमारे एक्सपोर्ट के इदारे हैं ये सारी चीज़ें हमारी मिनिस्ट्रियाँ हैं जो मतलब ये कि इनको जो है इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल की मिनिस्ट्रियाँ बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ हमने बनाई हुई हैं लेकिन वो मिनिस्ट्रियाँ जो है वो मतलब ये कि उस तरीके से जो है इंटरनेशनल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको नीड उनको फुलफिल नहीं कर रही देखिए कितनी बदकिस्मती है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए हमारी 25 26 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट जो है वो नहीं होती जो है ना हालांकि हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें तमाम जो है वसाइल से मालूमाल है इसके अंदर तमाम मौसम है हर तरह की जो है खुश जो है मतलब ये कि इसमें सरसरजमीन जो है वो है कल्टिवेशन इधर माशाल्लाह जो है पानी है ज़मीन है सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है लेकिन या तो हम जो है अगर हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं तो बस कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं कोई वैल्यू एडिट की तरफ नहीं जाते हम अब फार्मा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं हम खेलों के अंदर अभी बहुत कुछ जो है वो उनके सामान बनाने में हम सर्जिकल में भी कुछ काम कर रहे हैं फ्रूट इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग में टेक्सटाइल में हम और बहुत सारा काम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का हम नाम लें हम एग्रीकल्चर में हम डेयरी में हम हर चीज़ में इतना कुछ हमारे मुल्क में पोटेंशल है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मिनिस्ट्रियाँ जो है वो मतलब ये कि चूँकि ख़ुद नहीं जानती तो वो लोगों को किस तरह मोटिवेट करेंगी उनके पास ना कोई सही डेटा है ना वो ये डेटा लेना चाहती हैं कि दुनिया में जो है वो डेयरी को किस तरह डेवलप किया जा सकता है हम हम जो वो सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह ताला ने हमें ऐसे आ, हमारा मुल्क इतना अलहमदिल्ला हमारे मुल्क में इतना पोटेंशल है कि यहाँ गर्मी भी पड़ती है यहाँ सर्दी भी पड़ती है यहाँ जो है बाहर भी है ख़जा भी है अल्लाह ताला ने हमें हर तरह का मौसम अता किया हम एन, हर एनिमल्स यहाँ पाल सकते हैं हम जो है वो दुनिया में डेरी में जो है वो मतलब ये कि बहुत तरक्की कर सकते हैं लेकिन बदकस्मती से हम आज जो बात करते हैं कि जी हमारा तजारती खसारा है वो इसी वजह से तजारती खसारा है ना कि हम जो है वो एक्सपोर्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं हम हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से समझते हैं कि जो चीज़ चीज़ की ज़रूरत है वो हम इंपोर्ट कर लें लेकिन उसका जो है हमें नेगेटिव इम्पेक्ट पता नहीं कि हमारा कितना ज़र मुबादला जो है बाहर जा रहा है हम जो है उन ममालिक से आज तक कभी ये बात ही नहीं करते जिनके साथ हमारा चाइना के साथ कितना ट्रेड डेफिसट है हमारा यूरोप के साथ बहुत सारे मुल्कों के साथ ट्रेड डेफिसट है हम उनसे बात ही नहीं करते कि जी या हम उनको वो चीज़ें ही ऑफर नहीं करते जो वो हमसे जो है इम्पोर्ट कर लें और उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कम अज़ कम हम अपनी बराबर कर लें ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे जो मुल्क के मसाइल ये हैं कि हमारे डॉलर्स अगर हम किसी तरह हमारे बेचारे बाहर ओवरसीज भेजते हैं और हमें बड़ी मुश्किल से वो अपनी हकों लाल की कमाई बेचते हैं तो हम उसको दूसरी तरफ इम्पोर्ट की चीज़ों में और ऐसी इम्पोर्ट की चीज़ें लग्जरी आइटम्स जो हम यहाँ बना सकते हैं हम उस पर इंडस्ट्री पर कोई फोकस ही नहीं करते हम नई इंडस्ट्रियों को जो है जिस तरह प्रमोट करना चाहिए उस तरह काम नहीं करते हम इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा रहे तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी जो है मतलब ये कि है लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमतें कोई भी हों वो यकीनन जो है चाहती हैं कि जो है वो मतलब ये कैसा करें लेकिन हमारी ब्यूरोसी हमारा सिस्टम जो है इतना वो सीधा और फरसूदा है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता नए चैलेंजेस को वो जो है ऐसी चीज़ों को जो है मतलब ये कि खुद अपने से जो है आगे बढ़कर कुछ नहीं सोचता बस एक लकीर के फ़कीर हैं हम उसको पीटे जा रहे हैं जो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं सालों से करे चले, चले आ रहे हैं हम बस उसी तरह उन्हीं फ़ाइलों में वो कागज़ों में डूबे हुए हैं हमारी बड़ी बदकिस्मती है और हुकूमतें तो जाए किसी की भी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी चाहा होगा कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए वो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए फिर नून की गवर्नमेंट भी आई क्योंकि ये सियासतदान तो चाहे कोई भी हो वो मुइब वतन है उनको मुल्क का दर्द होता है वो चाहते हैं कि उनके लोग जो गुरबत की सतह से भी नीचे रहते हैं वो जो है तरक्की करें और ये तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी क्योंकि आपका शायद कैमरा ऑफ हो गया है तो आपके वीडियो बंद हो गई है शायद कॉल आई होगी आपकी देखिएगा कॉल है तो फिर आप मेरा कैमरे को दोबारा करना पड़ेगा सर और ये मैं दो, आगे कर आप आप सुन ले, आप सुन यह कॉल कोई बात नहीं मैं दोबारा नहीं नहीं मैं कॉल नहीं सुन रहा मैं दोबारा आपको ऑफ करके ले रहा हूं दोबारा थैंक यू ओके सर आ जाए आ जाए साथियों जैसे कि आपने देखा कि मुझे मैं बार बार ये कहता हूं कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें अपनी कॉम में अपनी आवाम में कि हमारे जो सेनेटर्स हैं हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जी जी हैं, जी, जी जी शिक, अपना सैनिटर साहब एक मिनट दीजिएगा मैं एक बात मुकम्मल कर लूँ जैसा कि आज हम एक और अपने सेनेटर साहब के साथ इमाम शौकीन भाई जो हैं हमारे उनसे बात कर रहे हैं वो हाउ लर्निड ही इज ही नोज ऑल सिस्टम्स डी यूजिंग ऑल दोलॉजी अब सिर्फ बात यह है कि हमें लाइक like माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना है और जो मेरा मिशन है वो यही है कि हम उन लेजिस्लेटर्स को जो टेक्नोलॉजी लवर्स हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को समझते हैं उनको लाकर वी आर गोइंग टू बी द ब्रिज अमंग दो लेजिस्लेटर्स एंड साथ ही साथ ऐसे लोग कि जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हेलो साहब आप कंटिन्यू कीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है आप जी जी, कंटिन्यू आ, 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 नहीं आपका मैंने सवाल नहीं सुना सर मैंने कहा आप कंटिन्यू कीजिए ओवर टू यू वही जो बात आप पहले कर रहे थे सर कि किस तरह से हम अपने अपनी गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को ला सॉरी दोबारा बोलें सर मैंने कहा कि किस तरह से हम अपनी गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं उसी के ऊपर हमारी बात हो रही है अह देखें सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि माशाल्लाह आप इस इस पर बहुत काम कर रहे हैं और जो है ये हुकूमतों में क्यों आप इसको सिर्फ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हम आ, कानून साज जो, जो लोग हैं ये सिर्फ इसको तो इस ये टेक्नोलॉजी तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की एक न्यामत है और उसने इंसान को जो है ये सोच अता की है कि वो जो है इसका, इसका इस्तेमाल करे और इसके लिए जो है वो इस इंसानियत की खदमत के लिए देखें अगर जो है जॉब्स क्रिएट होती हैं तो वो भी ए, लोगों आ, के लिए जो है वो एक जरिया बनती हैं अल्लाह ताली रिश्त देने वाला है लेकिन उसको अल्लाह ताली ने इंसान को शफ़ुलमखलूक बनाया है मेरे जो बुजुर्ग और वालदेन थे थे जब हमारी दो या तीन इंडस्ट्री हुई तो उन्होंने मुझे नसीहत की कि बेटा जो है वो काम जिंदगी में ये करते रहिएगा क्योंकि देखें हमने सिर्फ दो रोटी खानी है और हमारी बहुत लिमिटेड जो है वो जरूरियात हैं लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं लोगों को रोज़गार दे रहे हैं या दूसरे भी लोग जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं बहुत बड़ी जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि तो हुकूमतों के वसाइल बहुत लिमिटेड होते हैं प्राइवेट सेक्टर ही इसमें जो है बहुत बड़ा काम जो है वो कर रहा होता है तो यकीन जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से जो है एक तजवीज़ आई थी पिछले दिनों के जी हम जो है वो आ, अपने पार्लियामेंट को अगर हम किसी वजह से नहीं चला पा रहे और कोविड की वजह से जो है डिस्टेंसिंग जो है वो इसका जो है वो मतलूब है तो इसको ऑनलाइन किया जा सकता है जिस पर कुछ मुखालफत भी आई गो के प्रेजेंस अपनी जगह उस उसका नेमुल बदल तो नहीं है लेकिन अगर मजबूरी में किसी काम को करना पड़े और हम कानून साजी को रोक दें तो कानून साजी तो जो है वो हमारी जो है बुनियादी ज़रूरत है कि हम कानून साजी जो है जिस तरह जब जब ज़रूरत पड़े उसको हमें करना चाहिए और उस करने के लिए अगर हमें इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए अगर हम किसी वजह से नहीं मिल रहे तो ये इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए जूम के ज़रिए पिछले दिनों जो है जिस तरह कारोबार में जो है ये सब लॉकडाउन था और मतलब ये कि वो यकन उसका उसकी जो उससे बेचारा ग़रीब तबका तक तबका तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और उसके वसायल बहुत कम हो गए लेकिन हमें भी उसने इस टेक्नोलॉजी इसने जो है कोविड ने इतना मुतासर किया कि हम अपने घरों तक महदूद हो गए इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई सब कुछ लेकिन उसके बावजूद भी जो भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है एक महीना तो हमने चले लॉकडाउन को पूरी तरह अमल दरामद किया लेकिन फिर उसके बावजूद ज़ाहिर है हमें चीज़ों को देखना भी था अपने मफाद में भी लोगों के मफाद में भी मुल्क के मफाद में भी रेवेन्यू बंद हो गई थी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई थी अब उसको किसी तरह ओपन करना था कि वो जो जो एस ओ पीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए किसी तरह चलाना था तो इसी टेक्नोलॉजी का ही में शुक्र के, कि हम जो है मतलब ये एहसानमंद हैं इसके उन लोगों के जो जिन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं और जो इनमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है आगे लेकर आ रहे हैं काम कर रहे हैं तो उसी बदौलत ये मुमकिन हो सका कि हम जो है अपना काम जारी व सारी रखें तो इसका तो जो है हुकूमतों के अंदर कानून साजी के अंदर इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अमल दखल है अगर हम इसको, इसको इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो है परफॉर्मेंस को हमारी गवर्नेस को बहुत बेहतर कर सकता है हम लोगों से हर वक्त जो है इन टच रह सकते हैं हम अपने सैनिटर्स एम एन एज़ और एम पी एस से हर वक्त जो है वो इसके ज़रिए लिंक रहकर उनके ख्याल को जो है वो सुन सकते हैं हम सेनेट में तो दो ढाई घंटे बैठते हैं हम इस तरह का कोई जो है जिस तरह की कोई पार्लियामेंट जो है बनाकर जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं हम एक दूसरे की जो है वो मतलब व्यूज को समझते हैं क्योंकि इंसान जो है पैदा होने से कब्र तक जाने तक हमेशा एक तालबेल रहता है आपने मेरी बड़ी तारीफें की मैं तो अभी अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं सीखने के स्टेज पर हूँ अभी भी मैं सीख रहा हूँ और मेरे जो है वो सत्तर साल के भी मेरे उस्ताद हैं और मेरा पंद्रह साल पोता भी मेरा उस्ताद है तो मैं तो अभी सीखने के स्टेज में हूं और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहेगा और जो है वो इस इस टेक्नोलॉजी की जो है वो वक्त की ये बहुत अहम ज़रूरत है चाहे कानून साजी हो चाहे हुकूमत करना हो चाहे इंडस्ट्री चलाना हो हर उस चीज़ में ये बेहतरी पैदा करेगी और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देंग, देंगे तो ये तो बड़ी एक अब आप यूँ समझ लें कि मैं अगर ये जुमला कह दूँ कि इसके बग़ैर अब हमारी ज़िंदगी जो है वो नामकम्मल है और जो है वो अगर हम और अधूरी है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी इसकी जो है बहुत ज़रूरत है और हम इसको पॉजिटिव जो 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 चीज़ें इसकी हैं उसको लेते हुए हम आगे बढ़ें और, और भी अभी बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इन शो आएँगी जो हमारी ज़िंदगी को बहुत जो है में जो है वो मिलेंगे और ए, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो है तड़का भी लगा दिया जाए तो फिर इसको चार चांद लग जाएंगे बहुत शुक्रिया सर बड़ा अच्छा कहा आपने हेलो जी जी आवाज आ रही है सर हेलो जी जी आवाज आ रही है भाई हेलो सर आवाज आ रही है आपको सेनेटर साहब आपका नेट आप, आपकी आवाज बार बार कट रही है जी जी सर जैसा कहा ना कि हमें की तरफ, सर, एक बहुत बड़ा जो लोग इस टेक्नोलॉजी में है शायद आपके भी दोस्तों में सर्कल में बिलखसूस कराची से लोग होंगे जिन्होंने बड़े बड़े कॉल सेंटर बनाए अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए लेकिन वो कतई तौर पर अपना ना उस पर अमल दरामद नहीं कर सके उसको उस तरह से नहीं बढ़ा सके जिस तरह के हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हुआ इंडिया अब ये एक, जी एक दोस्त हमारे ये लिखते हैं मलिक आदिल साहब माय क्वेश्चन पाकिस्तान में यूट्यूब ऑफिस क्यों नहीं बनता और इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाते सर अब देखिए कि हमारे पास यहाँ यूट्यूब का ऑफिस ही नहीं है हमने अगर देखा जाए तो गूगल का प्रॉपर ऑफिस यहां पर नहीं है तो उसकी वजह से क्या है कि अब जैसे गूगल ने दस बिलियन डॉलर वो अब अभी रिसेंटली उन्होंने प्लान बनाया हंड्रेड बिलियन डॉलर का सर हंड्रेड बिलियन डॉलर ऑल टूगेदर है जो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मैंने जो, जो गुजारिश थी वो यही थी कि जब तक हमारी हुकूमत हमारे लोगों के साथ सनर्जी क्रिएट नहीं करेगी और इनके मसाइल को अब जैसे सर Uh, मैंने बहुत सारे रात को भी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो उसमें आम ये जो हमारे uh, फ्री बच्चे हैं वो आए हुए थे उनका ये कहना है कि हम फाइवर के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए काम करते हैं हमारे जो पैसे आने होते हैं वो कट जाते हैं और uh, वो हमें प्रॉपरली अब बैंक में हमारा अकाउंट नहीं खुलता दीज आर दी सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स और उसकी शायद वजह यही है माफीद के साथ सर मैं अपनी एक थोड़ा सा लंबा करूंगा सवाल को कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत वक्त ने डिजिटल पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अब उसमें वो तानिया मैम गूगल से आई अब उन्होंने अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो इतनी बड़ी करप्शन में वो इन्वॉल्व हो गई कि हम क्या कहें अब जब ऐसे लोग हमारे यहां आएंगे और पीछे हमारे पूरे इन कोविड में हमें डिजिटल पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया आपकी एक बात तो दुरुस्त है कि हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए खुद जो कर सकते हैं करना चाहिए लेकिन सम टाइम जहां पर पॉलिसी मेकर जरूरत है जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है मिनिस्टर आईटी, मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल पाकिस्तान इनकी जरूरत है जब तक वो मैदान में नहीं आएंगे इनको हम किस तरह अपने साथ मिलाएं इस पर जरा बिल्कुल बिल्कुल आप का मतलब बहुत अच्छी आपने बात की है आ, लेकिन देखें बदकिस्मती है हमारी हुकूमतों की कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ जो है वो नहीं बनाते और हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पर जो है काम करते हैं आपने कहा कि जी यूट्यूब और गूगल जो है ये वो लोग हैं जो के पहले देखते हैं कि आपके मुल्क में वो कितना जो है सिक्योर हैं उनके इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है वो अरबों डॉलर उस वक्त तक किस तरह जो है लेकर आएंगे जबकि आप एक सुल्तानी हुकुम के ज़रिए एक मिनट में चीज़ों को बंद कर देते हैं बदकिस्मती से हमारे इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ऐसी चीज़ कह रहा हूँ जो हमारे मुल्क के जो है मतलब ये कि उसके उसके दायरे में वो गलत है चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो हुकूमत पर कोई तनकीद हो आ, देखें बात यह कि यूरोप में भी तो आज ये सब कुछ चीज़ें हैं उन्होंने कुछ ए, अपने क्राइटेरिया को बना लिया कि जी हम मजहब पर किसी किस्म का चाहे वो हमारे आ, इस्लाम हो क्रिश्चियन हो कोई भी मज़हब हो हम उस पर जो है किसी किस्म के उनके अम्बिया पर उनके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करेंगे बाकी देखें मैं या मेरा प्राइम मिनिस्टर या मेरी पार्टी का लीडर कोई भी इस चीज़ से मुबर्रा क्यों हो कि अगर कोई उस पर क्रिटिसिज्म अगर गलत करे तो हमारे इदारे जो है वो एफआईए है साइबर क्राइम है उन पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन जो है वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन माजरत के साथ हमारी आ, मैं अदालतों से भी माफ़ी मांग कर ये अर्ज करूँगा कि वो अपने इदारों को ठीक करवाएं बजाय इसके कि हम अगर ये जरा सी तनकीद आती है तो हम इसको बंद कर दें उसको बंद कर दें तो जिन इदारों के आपने नाम लिए वो उस वक्त तक किस तरह आएंगे जब तक कि वो ये नहीं महसूस करेंगे कि जी हम उस मुल्क में जाके लाखों अपना जो है वो अरबों डॉलर सरमाया लगाएं हम वहाँ पर जो है इस इंडस्ट्री को डेवलप करें हम ये चीजें लेकर जाएं और सुबह हुकूमत नाराज़ हो जाती है सुबह उन मुल्कों की कोर्टें नाराज़ हो जाती हैं और हमें कहती हैं कि सब कुछ आप बंद कर दें तो हम कहाँ खड़े हैं आपने इंडिया की मिसाल दी इंडिया तो बहुत जो है ना बहुत आगे और बहुत पहले से आगे आप श्रीलंका को उठा के देख लें बहुत छोटा सा मुल्क है हमसे आई एक्सपोर्ट में बांग्लादेश देख लें हमारे बाद आजाद हुआ और वो भी इस्लामी मुल्क है हमसे ज्यादा जो है परसेंटेज में इस्लाम वहां पर जो है वो लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा है न सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में बल्कि हर चीज़ में कहिए उनकी करेंसी देखिए उनके एक्सपोर्ट देखिए तो मैं ये समझता हूँ कि हम हमें हुकूमतों को जब तक वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगी अपने इदारों को जो है वो मतलब ये कि जिनका जो काम है मैं इसको मुख्तसर ये कर दूँ कि जिन इदारों का जो काम है वो अगर अपनी लिमिट में रहते हुए अगर वो अपने काम करेंगी और दयानतदारी से करेंगी अब एफ आई ए का साइबर क्राइम है वो क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को रोकता है जिसकी वजह से जो है हम ये महसूस करते हैं कि ये गलत है बजाय इसके कि हम जो है बाहर से कहते हैं कि गूगल भी नहीं आएगा यूट्यूब भी नहीं आएगी दूसरे भी इदारे नहीं आएंगे तो इस तरीके से हम आई में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम ये जो है सब चीजों को तो जाहिर है कि वो तो जो है यहाँ पर जब आएंगे तो उसको जो है बिजनेस के तरीके से करेंगे वो चाहेंगे कि उनकी जो है वो मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट्स भी हों और उनका राइट भी है जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो ये कुछ चैरिटी इदारे तो नहीं अपना कुछ परसेंटेज जरूर करेंगे और वो जो है फ्री फ्रॉम जो है वो अपनी आज़ादी के साथ जो है वो काम करना चाहेंगे आपके मुल्क के जो है ना तो यही हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से भी बहुत जो है बहुत पीछे रह गए हैं इंडस्ट्री में और हर चीज़ में पीछे रह गए ड्यू टू आ, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं चाहे हम जो है मतलब हमारा हम जो कानून जो हमारी हमारे इदारे हैं चाहे हम कानून साज इदारे हैं चाहे हमारी जो है दूसरे इदारे हैं किसी भी का भी मैं अब नाम नहीं लेता अगर वो सब को कोई अपनी अपनी जुम्मेदारी महसूस करते हुए अपने अपने डोमेन में काम नहीं करेंगे ये मसाइल कभी भी ठीक नहीं होंगे जो है ना वेरी ट्रू सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जैसे मैं कहता हूँ साइबर क्राइम का कानून तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं जी सर इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले जब यह कानून बनाया गया तो जिन लोगों पर आपने साइबर क्राइम के लॉ को इम्प्लीमेंट करना था उनसे ही आपने ऑनबोर्ड नहीं उनको किया उनसे पूछा ही नहीं कि क्या उनके मसाइल होंगे बेसिक उनकी नीड क्या है बेसिक उनकी जरूरत क्या है अब जैसे पिछले दिनों में सर ये दो हफ्ते पहले की, ए, ए, एक हफ्ता पहले की बात है कि मैंने ही उस दिन खड़े होकर फिर वो कहा कि पहले एक पबजी गेम है उसको बंद कर दिया गया फिर उसके बाद और वो बंद करने का मकसद ये था कि पीटीए ने कहा कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कौन सा इदारा है जो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करेगा जिसमें यूट्यूब का मटेरियल है या एक गेम है पबजी या कोई टिकटॉक है अब ये तीन ऐसी चीजें हैं इस वक्त दुनिया में शायद जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन द लास्ट थ्री टू सिक्स मंथ वो यही यही चीजें हैं अब इन चीजों को अगर हम बंद कर देंगे तो कौन न? फिर वो आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इनके कंपनियों वाले हैं जो मास्टर राइट्स होल्डर हैं वो कैसे हमारे मुल्क में आएंगे और मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे और मजीद लेकिन शेख साहब फिर भी इसीलिए मैं कहता हूं कि वी बींग द लेजिस्लेटर अगर हम ये समझें और प्रॉपर रूल में लॉ में अमेंडमेंट करें और नए कानून ऐसे लेकर आए देखिए साइबर क्राइम एक्ट जो है वो भी आज से 20 साल पुराना है अब बीस साल में कितना फर्क पड़ गया आ, हम ये ये जो पीटीए का कानून है अब पीटीए के पास सर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी तो आ, अब मतलब कंट्रोल है लेकिन जो उनके प्रोडक्ट्स हैं आगे अब इंटरनेट को तो कंट्रोल करने के लिए पीटीए करता है लेकिन जो इंटरनेट के थ्रू चीजें रन हो रही हैं

उसके लिए भी हमारे पास जो महकमे में मैं जिस हद तक उनको देख रहा हूँ या मैं जान रहा हूँ चंद की पोस्टों पर तो लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि वो थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं लेकिन उनका जो लोअर स्टाफ है वो बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी से बेबहरा ही नहीं है वो इसको जानता ही नहीं है तो जब तक आप राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है वो नहीं लगाएंगे तो आप किसी से जो है अच्छे रिजल्ट की जो है तो कर ही नहीं सकते यकीन कानून साजी हमें जो है वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हर वक्त उसमें जो है ज़रूरत है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कानून जो है वो अमेंडमेंट्स आएंगी कानून नए बनेंगे लेकिन इनको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो है जाहिर है कि जिस तरह कानून माशा सेनेट में और कौमी असम्बली में लोग जो है पाकिस्तान की क्रीम को बेचते हैं वो बड़े समझदार लोग हैं आप जैसे माशा लोग भी उस सेनेट में हैं बहुत सारा हमारी पार्टी में भी बहुत ज्यादा लाइक और बहुत ज्यादा जो है वो लॉ को समझने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सेनेट में मैंने तो एक तालब इम की हेसियत से बहुत कुछ जो है सीखा है जो मेरी जिंदगी का बहुत फारुक एच नाइक है शीर रहमान है उनकी तरफ से बहुत अच्छी है पीटीआई के अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं ये बात नहीं है और वो मतलब ये कि एन के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ये सब मतलब ये कि जो है वो अच्छी कानून साजी जो है वो करना भी चाह रहे हैं और करते भी रहते हैं आप देख रहे हैं कि सेनेट में आए दिन कौमी असम्बली में बड़े अच्छे अच्छे बिल्स जो है वो आते हैं जो लोगों की जो है मतलब ये कि हम किस तरह लोगों की जिंदगी को अच्छा करें किस तरह उनको जो है बेहतर करें इन सब तम चीज़ों के लिए जो है वो मतलब ये कि कानून साजी होती रहती है होती रहेगी अमेंड्स भी अमेंड भी होती हैं जिन जो वक्त के साथ साथ पुरानी हो गई चीज़ें लेकिन फिर वही बदकिस्मती है कि जो है वो मतलब ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की कैपेसिटी या तो हमारे लोगों में नहीं है या हम उनको जो है करना नहीं चाह रहे तो आप कानून साजी तो भले बड़ी तेजी से, से करते चले जाएं लेकिन 20 साल पहले जो आपने कानून बनाया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं है आज जो आप कानून बनाएंगे पता नहीं वो अगले 20 साल तक जो है ना तो जब तक हम इधारों को भी जो है वो ठीक नहीं करेंगे इधारों को जो है जवाब दे नहीं बनाएंगे उनको जो है ये जो है मतलब उनके ये कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करेंगे कि वो चीज़ों को हर चीज का इलाज जो है बंद कर देना ही जो है वो समझ रही है तो उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम आगे जो है वो नहीं बढ़ सकेंगे ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है ये इसमें हमारी तरक्की का रास पिना है हमारी जो है तालीम की को जो है हम किस तरह जो है अपने अंदर एक जो है जिस तरह तालीम का मेार बड़ी तेज़ी से गिर रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए हम बैन अवी जो है मेयार के स्टूडेंट प्रोड्यूस करने के लिए जब तक हम इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्ता नहीं करेंगे मैं नहीं समझता कि हम वहाँ तक उन टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे तो कानून साजी बहुत ज़रूरत है उसके साथ साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन कराने की भी कैपेसिटी को जब तक हम बिल्डअप नहीं कराएंगे हम इस टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे वेरी ट्रू सर जैसे आपने कहा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और सबको ऑनबोर्ड करने के लिए सर हमारा डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क जो एक आम लोगों का गरीबों का मस्किनों का एक टेक्नोलॉजी ग्रुप है सर हमारा हमने तो कोई बजट गवर्नमेंट से नहीं मांगना ना ही हमारा ये मिशन में है ना ही हमने चंदा इकट्ठा करना है हमने सिर्फ अपने रिसोर्स इकट्ठे करके तो सर हम मेरी आपसे भी एक गुजारिश है कि 14 अगस्त को हम एक डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस समिट करा रहे हैं आप भी हमें थोड़ा सा मौका दीजिएगा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जरूर आप आइए मैं चाहता हूँ जैसे आप माशाल्लाह एक्टिवली चीजों को देख रहे हैं और कर रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसके बार बार रिजल्ट रिजल्ट आ रहे हैं और उन रिजल्ट से आप बहुत है। आप बहुत आई विश जैसे लोग जो वाकई में ही पार्लियामेंट में बैठे हैं अपर हाउस में है नेशनल असेंबली में आप जैसे बहुत से हमारे भाई बंद हैं इन सबको सर मैं इकट्ठा कर रहा हूं वो इसलिए कि अल्टीमेटली वी नीड अ फोर्स और जब तक वो फोर्स हम क्रिएट नहीं करेंगे लाइक like माइंडेड लोगों को कि आने वाले वक्त में सर हम उस तरह से नहीं चल सकते चूंकि हमें एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आएगी और आ रही है पहले से आईटी में भी आई है और अब डिजिटलाइजेशन में तो बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि सर मैंने जब पढ़ा अस्तोनिया दुबई यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में इवन चाइना इन सब में जो इन्होंने कंट्रोल किया वो चार ही हमारे फैक्टर्स हैं एक मिनट लूंगा ये बात पहुंचे वो ये है कि चार फैक्टर्स हैं सर जिसके अंदर सबसे पहला करप्शन दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग तीसरा हमारे जो बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन है हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और चौथा हमारे ऑफिस में ऑफिस में सरकारी ऑफिस में मैरिट बेस भर्तियां और उनके मैरिट बेस्ड पोस्टिंग उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए डाउन करने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होगी डाटा कंपाइल नहीं होगा बिग डाटा नहीं बनेगा हम ये काम कतई तौर पर भी नहीं कर सकते ये देखिए सर ये राजा ने लिखा है डिजिटल पाकिस्तान हमारे तमाम मसाइल का हल है अब सर इस पर जब बात करते हैं तो फिर इमामदीन भाई मैं ये कहूँगा कि आप और मैं और ये राजा साहब इन जैसे जो लोग हैं जब ऑन बोर्ड होंगे एक ताकत की शक्ल में आएंगे तभी हम पाकिस्तान को डिजिटल बना सकते हैं सर इस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा फिर आखिरी बिल्कुल, और बिल्कुल मैं राजा साहब जो आपके व्यूवर है मैं उनको ये, मैं बात सौ फीसद इतफाक करता हूँ देखें डिजिटल पाकिस्तान की इसलिए भी जरूरत है कि हमारा जो मुल्क है उसमें बहुत सारे हम जो है वो दो नंबर काम भी जो है माशाल्लाह लोग कर रहे होते हैं अब जिस तरह रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी जो है जिस तरह जो है टेम्परिंग होती है एक बेचारा जो है उसका प्लॉट है वो मुल्क से बाहर बैठा है दो नंबर तरीके से उसको हत्या लिया जाता है तो अगर ये सब चीजें आज जो यूरोप में जो है पचास साल पहले हो चुकी हैं आज हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं अगर ये चीजें होती तो बहुत सारे लोग जो है बेचारे इस जो है उससे जो है ना होते आज जो है वो डिजिटल होने की वजह से आपको जो है आप जो है वो कोई उसमें रिकॉर्ड्स में जो है दो नंबर नहीं हो सकती कोई टेम्परिंग नहीं सकती तो इसका ये मकसद हुआ कि उसकी आज प्रॉपर्टी साथियों आप देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब हमारे इमामदीन शौकीन भाई चीजों को देख रहे हैं और अपना बयानियां दे रहे हैं और अपनी इनपुट देने की बात कर रहे हैं ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मेरी पार... मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ सॉरी बीच में कॉल आ गई थी तो डिजिटल जो है वो देखें ये ये तो जिस तरह मतलब ये कि और बिल्कुल सही बात है कि हमारा मुल्क जो है वो अब मजीद जो है मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों का मुतम्मल नहीं हो सकता और ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हम जो है इन सब तमाम चीज़ों को जो है वो रोक सकते हैं हम चीज़ों को जो है अपनी ऑफिस के अंदर देखें आज भी बदकस्मती से जो है हम फाइलों पर जो है वो काम कर रहे हैं जबकि ये सब काम जापान और यूरोपियन में चले जाएं वो एक क्लिक पर आपको सारी कुछ जो है वो मतलब ये कि वो सारा कुछ जो है ना आपको अगर किसी चीज का कि इसका ऑनर पहले कौन था सौ साल पहले कौन था कितनी दफ़ा ट्रांजेक्शन हुई किस तरह हुई कैसे हुई इतनी शफाफियत आ जाती है और हमारा मसला ही है कि हम अपने मुल्क में जब तक शफाफियत जो है टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं लाएंगे हमारे मसाइल का जो है वो हल नहीं होगा जो है ना तो ये चार चीज़ें जिनकी बात करते हैं ये बिल्कुल आप ट्रू बात कर रहे हैं और इसका इस यही हमारी चीज़ों का हल है कि हम जो है वो मतलब ये कि कैपेबल लोगों को जो है वो मेरिट पर जब लेकर आएंगे तो यकीनन वो लोग डिलीवर करेंगे और कैपेबल लोग जो है वो जो मेरिट पर आएंगे उस टेक्नोलॉजी से अगर जो है वो आशना होंगे तो इसका वो भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये सिर्फ अमीरों की या पार्लियामेंटेरियंस की जरूरत नहीं है आज ये पाकिस्तान के आम आदमी की भी जरूरत है अगर आप किसी तरीके से जिस तरीके से बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है या जो अब नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें देखें कितनी जो है वो मतलब ये कि अगर कोई रेगुलेटरीज है तो ये इसी सिस्टम से जो है वो बेहतर हो सकती हैं इस सिस्टम की वजह से जो है आप लोगों का डेटा और डेटा जो है आपको चंद मिनटों के अंदर जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है जो आगे आप एक शफाफ काम को जो करना चाह रहे हैं नेकनीति से करना चाह रहे हैं तो ये तो आपकी हेल्प करेगा ये आपकी गवर्नर्स को बेहतर करेगा ये आपके मसाइल का जो है डिजिटल पाकिस्तान ही आपके मसाइल का जो है ना वायद हल है और इस ये आपकी आपकी तरक्की के इतने रास्ते खोल देगा कि आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे कि जितना हम पीछे रह गए हैं जो है दुनिया में हम उतना ही जो है ना शायद अगर हमें अब उनके बराबर हम अगर उनसे आगे तो नहीं निकल सकते तो कम अज कम अगर हम उनके बराबर भी आना चाहते हैं तो अब हम इस टेक्नोलॉजी का तेज़ी से जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठाना पड़ेगा ताकि हम हर शोब हर शोबा ज़िंदगी में इसको जो है वो मतलब ये कि जिस तरीके से उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक इसको अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे ननरल साहब थैंक यू वेरी मच हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो गया है मैं आखिर में चाहूंगा क्योंकि आपकी शख्सियत और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर मैं मेरे इल्म में नहीं था कि माशाल्लाह आपने तेरह साल की उम्र से मैंने भी सर सातवीं क्लास में पढ़ता था बारह साढ़े बारह साल एज थी उस वक्त से काम करना शुरू किया था और अलहदुल्ला आप भी इसी तरह है बड़ी खुशी की बात है सर आपने माशा हर तरह का दौर देखा सख्तियां देखी परेशानियां देखी तो आप जो आज के यूथ के बच्चे और बच्चियां हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि वो एक एक चीज को सर मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा कि आज के बच्चे बच्चियां जो हैं वो चाहते हैं ओवरनाइट में ओवर नाइट सक्सेस तो काइंडली जरा थोड़ा सा मेरी, मैंने मैं, मैंने सिर्फ न सिर्फ एजुकेशन बल्कि मैंने जो है वो काम भी साथ साथ किया तालीम को भी साथ साथ जारी रखा और सियासत भी साथ साथ की एक वक्त में तीन चीजें कर रहा होता था मैं अच्छा। मतलब पढ़ भी रहा होता था मैंने अपनी तालीम को जो है वो मैं जब तेरह साल का था तो मैं नवी जमात में पढ़ता था मैंने इन्हीं हालात में रहते हुए काम करते हुए मैट्रिक किया बी किया एल की मास्टर्स की और नहीं ये नहीं। तमाम अपनी तालीम को जो है मैं मतलब ये कि और इवन जो है मेरी शादी हो चुकी थी मेरे बच्चे थे उसके बावजूद भी मैं पढ़ता था क्योंकि मैं अली के इस कॉल से बड़ा जो है के, इल्म हासिल करो माँ की माँ की गोश से कबर की लहत का तो इंसान कभी भी जो है वो मतलब ये के दौर से कभी भी जो है वो बाहर नहीं होता और कोई भी इंसान कभी पूरी जिंदगी में ये नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है आज जो है ना तो मैंने तो अपनी जिंदगी में तीन काम साथ, -साथ किए एजुकेशन साथ, -साथ की कारोबार में अपनी फैमिली को सपोर्ट किया उनके साथ काम करता रहा बिजनेस में जो है वो मतलब ऐसे वर्कर काम करता रहा जिस तरह मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बताई और अपनी सियासत जो मुझे तेरह साल की उम्र से मैंने जो है उसको शुरू किया कॉलेज में अमली पॉलिटिक्स की फिर इलेक्शन लड़े और उसके साथ साथ मैं इस पूरी जो है मेरी जो मतलब ये कि ये पैंतालीस साल जो मेरी ये सफ़र है सियासत का इसमें मैं एक दिन भी एक हफ्ते भी मैं कभी भी जो है लोगों से दूर नहीं रहा मैंने कोशिश की कि मैं अपने लोगों के दरमियान रहूँ उनके मसले मसाइल को जिस हद तक मैं जो है सॉल्व कर सकता हूँ मैं किए तो मैंने ये तीनों काम जो है वो साथ साथ अब आपका सवाल था नौजवानों के लिए मैं भी इस बात से पूरी तरह मुतफ हूँ कि हमारा आज का नौजवान जो है मेरे माजरत के साथ कहने दीजिए कि वो बहुत ज्यादा जो है हार्ड वर्किंग पर जो है बिलीव नहीं करता वो समझता है कि कोई शॉर्टकट है जिंदगी किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है ये मुसलसल एक जद्दोजहद का नाम है सबसे पहले आप अपना फोकस कीजिए आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं आप एक अच्छा कामयाब ताजिर बनना चाहते हैं एक आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आप एक जो है एक कोई डॉक्टर्स कोई आपका कोई भी टारगेट है आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप सियासतदान बनना चाहते हैं आप पॉलिटिश आप या जो है मतलब ये कि कोई भी जिंदगी में प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं वालदेन को एक बात ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो एक तो हमारे यहाँ यह होता है कि जी हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है अगर उसका इंटरेस्ट वो स, जो है साइंसदान बनना चाहता है तो उसको उस तरफ मौका दीजिए अगर वो जो है जो है इधारों को फोर्स फील्ड में जाना चाहता है तो हमें बच्चे को एक तो फ्री हैंड देना चाहिए उसको उसी मुताबिक उसकी ग्रोथ करनी चाहिए दूसरी मैं नौजवानों को ये बात कहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है अपनी जिंदगी का एक जो है फोकस एक टास्क बनाइए और उसके बाद उसके लिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए भरपूर जो है वो मतलब ये कि जो है एक सख्त मेहनत कीजिए क्योंकि आपकी उम्र में जो है वो हाँ मेहनत की जा सकती है हमारी उम्र में पहुंचने के बाद आपके अंदर वो स्टैमना वो ताकत भी नहीं रहेगी जो आज आप बच्चों को अवेलेबल है तो आपको वालदेन की सपोर्ट भी है और जब इंसान खुद बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा फील करता है मुझे तो अपना बचपन अपने तालब का ज़माना जो है इतना याद आता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं वो क्योंकि इस ज़माने में जब जिस में हम खड़े तक मसाइल और सब चीज़ों को हमें पूरा जो है हमारे दिमाग में हर वक्त एक बोझ चलता रहता है कि इसको कैसे हल करना है इसको किस तरह हल करना है तो आपको तो अल्लाह ताला ने इस वक्त जो है तमाम जो है आपके माँ बाप आपके लिए वसाइल प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है और अगर इन पूरी दयानतदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ अगर आप जो है आ, आ, काम करेंगे आगे बढ़ेंगे अपनी किसी भी शोबाई फील्ड में तो इनशाला तसी की मेहनत को रायगा नहीं करता किसी को उसकी जो है जितना उसकी कोशिश होती है जितना उसका वो समर उसको ज़रूर देता है लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप मेहनत भी नहीं करेंगे और कोई चीज़ आपको ऊपर से आ जाएगी तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है आपको जो है मतलब ये कि भरपूर जो है मेहनत चाहे जिसमानी काम तालीम में तो हर चीज़ में जो कुछ आप जिस चीज़ के लिए जो चीज़ डिमांड करती है उसको आप अपने ज़िंदगी का मेहनत करने का जब तक आदि नहीं बनाएंगे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए हालांकि मैं आ, टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ लोग मुझसे घड़ी मिलाते हैं मैं जब ऑफिस मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं है कि चाहे बारिश हो तूफान हो मैंने अगर 10 बजे अपने दफ्तर में बैठना है तो बैठना है मैं अतीक साहब आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ कि पाँच साल पहले तक मैं संडे भी कभी ऑफ नहीं करता था मैं तीन really? दिन काम करता था और मैं जो है ईद और बकर के जो दिन होते हैं वो मैंने लोगों के लिए चूँकि मैं सियासत में था तो उनसे मिलता था ईद की नमाज के बाद रात देर तक हम बारह बजे तक लोगों के दरमियान बैठते थे और मिलते थे और उसके बाद जो है फैमिली को भी टाइम देते थे सब कुछ हम जो है वो जो है वो कर रहे होते थे लेकिन छुट्टी हमारी ज़िंदगी में कभी जो है कि भाई रेस्ट कर लें और मतलब मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने अगर दुनिया કે કોઈ વિઝિટ ભી કી હે તો મેં અગર યે કહી દું કે મેને અગર સો ટ્રીપ કી હે તો શાયદ એક અપને લિયે કિયા બાકી મે બિઝનેસ કે લિયે يا سیکને કે લિયે ગયા હોંગા મુલક સે બાદ લેકિન મેને પૂરી જિંદગી કામ કિયા હે ઓર અપને કામ પે ફોકસ રખા હે ઓર અલ્લાહ તઆલા કા ઉસ પર ઉસ પર યે રિઝલ્ટ હે કે અલ્લાહ તઆલા ને અપની મુજ પર બડી કરમનાવાજી કી હે કે મુજે કરોડો લાખો ઇન્સાનો સે મે સમજતા હું કે ઉસકા યે ઇનામ હે ઓર યે સિર્ફ શાયદ મેરે માબાપ કી દુઆએન ઉનકી ખિદમત તો મેં બચ્ચો કો યે ભી કહુંગા કે વો વાલિદૈન કા જો હે jitna फरमा बरदार भी जो है वो रहें क्योंकि वालदेन की दुआएं जो है ना वो भी एक बड़ा मैटर करती हैं इंसान की ज़िंदगी में एक मेहनत और दूसरा उसका नसीब और नसीब जो है दुआओं से बनता है और दुआएं जो है वालदेन की खिदमत से जो है मिलती हैं तो आप बड़ी खुशकस्मत हैं कि आपके वालदेन जो है वो मतलब उनकी आप खिदमत कर सकते हैं उनके साथ बैठें उनसे सीखें आपके बेहतरीन उस्ताद आपके बेहतरीन दोस्त मैं अपने बच्चों को भी और अपने नौजवानों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ये इधर उधर जो है उससे के बजाय आप अपने वालदे को जो है अपने पेरेंट्स को अपने भाइयों को तो 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 अपना दोस्त बनाएं और वालदेन को भी मैं हमेशा हर तकरीबा जो एजुकेशन की खास तौर पर जो है जब मैं उसमें जाता हूं तो मैं वालदेन को भी कहता हूं कि वो अपने अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं इसके बजाय कि वो बाहर बैठकर होटलों में और दूसरी चीज़ों में अपना वक्त जो है तो इससे अपनी आपके बच्चों की भी जो है तरबियत अच्छी होगी वो आपके साथ एक फ्रेंड भी होंगे आपके साथ पूरी जिंदगी को शेयर करेंगे बहरहाल नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो जो है कोई जिंदगी का शॉर्टकट नहीं है जो आपको कह रहा है कि कोई लॉटरी निकल आएगी और इस तरीके से आप बड़े हो जाएंगे ये कोई जो है मतलब ये कि बातें जो है हकीकत पर मबनी नहीं है आपको मेहनत करनी है मेहनत 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 और कायदेजम का जो फरमान है कि काम काम और सिर्फ काम इसी के इससे के बग़ैर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते आप कोई तरक्की नहीं कर सकते आप अपने कोई टारगेट को अचीव नहीं कर सकते बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला और इस मेरे प्रोग्राम को इज्जत बख्शी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती के साथ जिंदगी अता फरमाए और आपकी इज़्ज़त में इजाफा करे बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और जो चौदह अगस्त का है आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम जब जब आप करेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा करें दोनों हाउसेस से और हम दोनों हाउसेस में या तो कोई कमेटी बनवाएं या एक इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर आएं कि हमारे दोनों हाउसेस जल्द अज जल्द या कम से कम हम सेनेट में चूंकि कम लोग हैं आसानी से कर सकते हैं ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए कि हमारी सेनेट को तो एटलीस्ट फुल्ली डिजिटलाइज किया जाए इन थैंक यूं जी साथियों जैसा कि आपने देखा आज के इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे एक और पार्लियामेंटेरियन भाई हमारे साथ थे और मैं ये फख्र से कह सकूंगा कि ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया है और मैं जिस तरह से लोगों को चुन मतलब है, आ रहे हैं सारे रेंडमली और मैं एक एक की कैपेबिलिटी को देख रहा हूं यकीन कीजिए मुझे लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में इतने कैपेबल लोग हैं इतने विजनरी लोग हैं जो वाकई में ही डिजिटलाइजेशन को भी जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड को समझते भी हैं गैजेट के यूज़ को भी जानते हैं उनकी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं और उसके इस्तेमाल से अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं उस तरह के लोगों को जब हम सामने लेकर आ रहे हैं हाउ कैन इट पॉसिबल कि जब हम लाइक like माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम अपनी कॉम के लिए आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए हम बेहतर से बेहतर क्यों ना कर पाएंगे इन सब मिलकर मैंने आपने हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को सही मानों में डिजिटल पाकिस्तान बनाना है और आज भी अब, अब हमारे सेनेटर भाई इमाम दीन शौकीन भाई ने जो कहा यकीन करें दीज आर गोल्डन वर्ड्स कि अगर आपने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है कोई सफे अव्वल के मुल्कों में खड़ा करना है तो आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी और वो जो डिजिटलाइजेशन जो सही मानों में रिजल्ट बेस्ड हो मैंने उनकी तरक्की की जो सबसे बड़ी चीज उनके इस पूरे जो आज का स्ने उनका प्रोग्राम है जो बातें उन्होंने की मैंने उसका नतीजा यही अखज किया है कि आप मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं लोगों को साथ मिलाते हैं एक चीज़ों के ऊपर फोकस रखें और दूसरा डिलीवरी बेस्ड प्रोग्राम लेकर चलें अगर आप हवा में रहेंगे अगर आप आसमानों पे चीज़ों को लेकर चलेंगे जमीन पर नहीं आएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे तो सही मानों में आपकी तरक्की नहीं हो सकेगी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद इनशा फिर मिलेंगे एक नए डिजिटल सेनेटर्स शो के साथ